वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पॉट सक्सेस। आज की डेट है 7 फरवरी और आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, लखनऊ डिक्लेरेशन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू ब्रिक्स, SCO, फर्स्ट इंडियन अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव, नन। इसका आंसर है फ्रेंड्स सी, फर्स्ट इंडियन अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव। अभी रिसेंटली डिफेंस एक्सपो को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है लखनऊ में फर्स्ट टाइम। उसके साथ ही साथ भारत और अफ्रीका के रक्षा मंत्रियों के बीच में सम्मेलन को भी ऑर्गेनाइज किया गया। उस सम्मेलन के बाद इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया जिसका नाम है लखनऊ डिक्लेरेशन या लखनऊ घोषणा पत्र। हम देखते हैं फ्रेंड्स इसका डिटेल। जो लखनऊ डिक्लेरेशन है उसके मेन पॉइंट्स हैं, टू डीपन डिफेंस टाइज, मीन्स डिफेंस टाइज को और गहरा करने की मांग की गई, जिसमें कि ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स या जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाएगा। लीडर्स ने रिकॉग्नाइज किया जो सुरक्षा और शांति या पीस और सिक्योरिटी है जो रीजन में, वो दोनों देशों के लिए ज़रूरी है। जो तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, डिफेंस इंडस्ट्री, जो दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं उनके बीच में जो कोलैबोरेशन है उसको बढ़ाने की भी मांग की गई। तो लखनऊ डिक्लेरेशन जो फर्स्ट इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव हो रही है या पहला भारत और अफ्रीका रक्षा मंत्रियों के बीच में जो सम्मेलन आयोजित किया गया है वहाँ पर लखनऊ डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, बृहदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बृहदेश्वर टेम्पल जो चोला पीरियड से बिलोंग करता है वो किस स्टेट में लोकेटेड है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। इसका आंसर है फ्रेंड्स तमिलनाडु। यह टेम्पल कावेरी रिवर के किनारे तमिलनाडु के थंजावुर में लोकेटेड है। चलिए हम देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स। अभी रिसेंटली एक कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी या अभिषेक समारोह को आयोजित किया गया बृहदेश्वरा टेम्पल में आफ्टर 23 ईयर्स। इसको कुंभ अभिषेकम सेरेमनी भी बोलते हैं। जो बृहदेश्वरा टेम्पल है फ्रेंड्स उसको राजा चोलावन ने बनाया था 1010 AD में। यह टेम्पल हिंदू टेम्पल है और लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। इसकी अगर हम लोकेशन देखें तो साउथ बैंक ऑफ कावेरी रिवर पर यह लोकेटेड है थंजावुर में। तमिलनाडु में यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको इंक्लूड किया गया है। बृहदेश्वरा टेम्पल, गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल और एरावतेश्वरा टेम्पल, तीनों टेम्पल को मिला के ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओरछा लाइज ऑन विच रिवर। ओरछा जो टाउन है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP वो किस नदी पर लाई करता है, बेतवा, यमुना, गंगा, केन। इसका आंसर है फ्रेंड्स बेतवा। कॉन्टेक्स्ट क्या है, अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एक कल्चरल फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करेगी, 3-day festival टू प्रमोट टूरिज्म इन ओरछा सिटी। जो नमस्ते ओरछा इस कल्चर फेस्टिवल का नाम है वो March 6 और 8 के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बारे में, जिसको बनाया गया है राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए अयोध्या में। आपको बताना है इट विल हैव 15 trustees आउट ऑफ विच 1 trustee विल ऑलवेज बी फ्रॉम दलित कम्युनिटी। सेकेंड है, इट विल बी कम्प्लीटली फ्री टू टेक एवरी डिसीजन रिलेटेड टू द टेम्पल एंड 67 acres ऑफ लैंड विल बी ट्रांसफर्ड टू ट्रस्ट। इसका आंसर है फ्रेंड सी बोथ। इसमें 15 trustees होंगे और एक मेंबर होगा वो दलित कम्युनिटी से होगा। जो सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स, यह कम्प्लीटली फ्री है टू टेक एनी डिसीजन और इस ट्रस्ट को 67 acres लैंड ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी गजट नोटिफिकेशन से बताया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के बारे में, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल के लिए बनाई गई है। इस ट्रस्ट का ऑफिस फ्रेंड्स दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम इज लॉन्च्ड एज अ पायलट प्रोग्राम इन हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट। जो महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम है उसको कितने डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया जा रहा है, 60, 75, 80, 9। इसका आंसर है फ्रेंड्स बी, 75 districts। रिसेंटली अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और IIM बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर ने मिलकर महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया है। यह प्रोग्राम संकल्प प्लेटफॉर्म के अंदर लॉन्च किया जाएगा जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, जो कि वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम है। तो महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम को
पायलट बेसिस पर 6 स्टेट के 75 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया जाएगा। पायलट बेसिस का मतलब है फ्रेंड्स एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर। अगर यह प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा तो इसका कवरेज बढ़ाकर पूरे कंट्री में कर दिया जाएगा। जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं फ्रेंड्स वो है गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड मेघालय। एलिजिबिलिटी क्या है फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम का लाभ लेने के लिए जो भी इंडिविजुअल 21 और 30 इयर्स के बीच में आते हैं और ग्रेजुएशन करी हो किसी भी यूनिवर्सिटी में वो अप्लाई कर सकते हैं। इस फेलोशिप प्रोग्राम का मेन एम है जो इंडिविजुअल है उनकी स्किल को बढ़ाना और डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी को वाइब्रेंट करना। तो महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम को IIM बेंगलोर और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है। 75 डिस्ट्रिक्ट इन 6 स्टेट। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स वॉज रिलीज्ड बाई। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स को किसने रिलीज किया है? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नन। इसका आंसर है फ्रेंड्स ए, नीति आयोग ने इस इंडेक्स को रिलीज किया है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स फ्रेंड्स 30 इंडिकेटर्स का से बना हुआ है जो कि दो कैटेगरी में डिवाइज है, कैटेगरी वन आउटकम्स और कैटेगरी टू गवर्नेंस। यह 30 इंडिकेटर एक्सेस करती हैं कि जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर लार्ज स्टेट की बात करें और परफॉर्मेंस की बात करें लार्ज स्टेट में, तो केरल ने टॉप किया है। उत्तर प्रदेश का जो परफॉर्मेंस है वो लोएस्ट रहा। राजस्थान सेकेंड पोजिशन पर था और कर्नाटका थर्ड पोजिशन पर था। तो फर्स्ट स्टेट केरल है, फिर राजस्थान है, फिर कर्नाटक है। अगर स्मॉल स्टेट की बात करें तो मणिपुर फर्स्ट पोजिशन पर है फ्रेंड्स, और अरुणाचल प्रदेश लास्ट कैटेगरी में है। यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और हरियाणा, मेघालय, दमन एंड दीव ने मोस्ट इम्प्रूवमेंट किया है फॉर द डिलीवरी ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन की डिलीवरी से रिलेटेड है इंडेक्स है। तो लार्ज स्टेट में केरल ने टॉप किया है, स्मॉल स्टेट में मणिपुर ने टॉप किया है और यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ ने टॉप किया है। और जो मोस्ट इम्प्रूवमेंट शो किया है वो हरियाणा, मेघालय, दमन एंड दीव ने शो किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट 75 के अंदर कितनी स्कॉर्पियंस क्लास सबमरीन को मैन बिल्ड किया जा रहा है? प्रोजेक्ट 75 के अंदर कितनी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को बिल्ड किया जा रहा है? 5, 6, 3, नन। इसका आंसर है 6। प्रोजेक्ट 75 के अंदर 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को बनाया जा रहा है। यह सबमरीन को डिज़ाइन किया है फ्रेंड्स नेवल डिफेंस एनर्जी ग्रुप DCNS, और इनको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है मेजगोंग डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में। अगर हम नाम देखें इन 6 सबमरीन का, तो INS कलवारी, INS खंदेरी, INS करंज, INS वेला, बागी और वागसीर। तो प्रोजेक्ट 75 किससे रिलेटेड है? 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, स्पाइक लॉन्ग रेंज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इज एक्वायर्ड फ्रॉम विच कंट्री? स्पाइक मिसाइल को किस कंट्री से एक्वायर किया गया है? USA, रसिया, जापान, इसराइल। इसका आंसर है इसराइल। अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया है इस मिसाइल का, जो कि इसराइल से एक्वायर की गई है। इसका नाम है स्पाइक लॉन्ग रेंज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इंडिया एक्वायर करने वाली 33rd कंट्री बन गई है। अगर स्पाइक मिसाइल की बात करें तो यह 4th जनरेशन मिसाइल है। इसकी जो रेंज है वो 4 किलोमीटर्स है। चलिए फ्रेंड हम आज की फैक्ट फाइल देख लेते हैं। पॉइंट 1 है फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लिटरेसी प्रेजेंट किए हैं डॉक्टर NS धर्मसक्तू इंडिविजुअल कैटेगरी में और मिशन ट्रस्ट इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। तो जो कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार प्रेजेंट किए गए हैं वो इंडिविजुअल कैटेगरी में NS धर्मसक्तू को दिया गया है और लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट को इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में दिया गया है। सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स, जो इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो जनरल बिपिन रावत को बनाया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो ऑफिस है सबसे पहला रिकमेंडेशन कारगिल रिव्यू कमेटी ने दिया था फ्रेंड्स। तो कारगिल रिव्यू कमेटी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफिस के फॉर्मेशन से रिलेटेड है। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो हेड करेगा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर बनाया जाएगा। पॉइंट 3 है फ्रेंड्स, बाबा कवच के बारे में।
यह इंडिया का लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट बन गया है। यह इंडिया का लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट बन गया है बाबा कवच। फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसकी समिट बिश्केक में हुई थी, जो कि किर्गिस्तान की कैपिटल है। तो किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक है। अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी दो परमानेंट बॉडीज़ हैं। एक इसका सेक्रेटेरिएट, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटेरिएट, जो कि बीजिंग में है, और एक एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ रेड्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो कि ताशकंद में है। ताशकंद फ्रेंड्स उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। तो उसकी दो परमानेंट बॉडी हैं, एज सेक्रेटेरिएट और एक रेड्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो कि ताशकंद में है। ताशकंद उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। अगर हम मेंबरशिप देखें फ्रेंड्स, तो 8 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं, इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। फ्रेंड्स इसमें तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो यह दो कंट्री भी इंक्लूड की जाएंगी ऑप्शन में, इसलिए आपको ये याद रखना है कि तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं है। जो मेंबर्स हैं इसकी 8 कंट्रीज़ है, इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। जो 4 ऑब्जर्वर स्टेट हैं वो अफगानिस्तान है, बेलारूस है, ईरान और मंगोलिया। तो हमने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सीखा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए और शेयर करिए।